अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में हम बाय करेंगे कोई ना कोई टोकन, वो भी बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू पेनकेक स्वैप का इस्तेमाल करके। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बाय कर सकते हैं कोई भी टोकन पेनकेक स्वैप से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस एप्लीकेशन पे वेब थ्री वॉलेट कैसे बना सकते हैं, फंड्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से वेब थ्री वॉलेट में। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सबसे पहले वो देखें। बाइनेंस पे वेब थ्री वॉलेट क्रिएट करें, फंड्स ट्रांसफर करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है ताकि आप इजीली समझ जाएं, बाद में कोई इशू ना आए आपके पास। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहाँ पे हम बाय करते हैं कोई ना कोई टोकन। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं, सिग्नल्स चाहते हैं तो आप मेरा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आना है वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पर आपको आना है वेब थ्री में। तो वेब थ्री का वॉलेट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था जिसमें हमारे पास $19 पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो USDT मेरे पास $9 पड़े हुए हैं और BNP मेरे पास वो भी $9 पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप पेनकेक स्वैप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वेब थ्री वॉलेट के अंदर। जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप पेनकेक स्वैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने वॉलेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरह कुछ स्टेप्स होंगे वही हमें फॉलो करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें डिस्कवर है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है डिस्कवर पे। ये देखें डिस्कवर, डिस्कवर में आने के बाद यहाँ पे आपको आना है पेनकेक स्वैप V3। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पेनकेक स्वैप, यहाँ पे ओपन करें ओपन DApp। तो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो देखें ये पेज आपके पास आ जाएगा। ऊपर देखें ये वार्निंग लिखी हुई है, फिशिंग वार्निंग, कंफर्म करने के लिए भाई आप इसी वेब पेज पे हैं, किसी और वेब पेज से नहीं है। अगर आप बाइनेंस के थ्रू आएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी मसला आपके पास नहीं होगा। तो इसको आप यहाँ से बंद कर दें, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद देखें यहाँ पे मेरे पास वॉलेट जो है मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें वॉलेट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपके पास ये कनेक्टेड नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको डिसकनेक्ट करके, कुछ इस तरह आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपको सिंपली करना होगा कनेक्ट और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा मेटामास्क वेब थ्री वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट इंजेक्टेड। तो आपको यहाँ पे अपना बाइनेंस वेब थ्री वॉलेट सिलेक्ट करना है, इसको प्रेस करें और ये देखें एक ही क्लिक के अंदर मेरा जो वॉलेट था यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये देखें, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है ट्रेड नाउ। जैसे ही ट्रेड नाउ करेंगे तो फिर इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा स्वैप का। यहाँ पे देखें ऊपर आ रहा होगा कि आप कौन से क्वाइन से कौन सा क्वाइन बाय करना चाह रहे हैं। ऊपर वो क्वाइन होगा जिससे आप बाय करेंगे, नीचे वो क्वाइन होगा जो क्वाइन आप बाय करेंगे। अब मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये BNB के मेरे पास जितने भी टोकन थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जितने USDT मेरे पास थे वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं USDT के थ्रू कोई क्वाइन आपको बाय करके दिखाता हूँ। USDT सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट करना है जो क्वाइन आप बाय कर रहे हैं। ये देखें बहुत सारे क्वाइंस यहाँ पे बाय कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टोकन्स होते हैं जो किसी भी एक्सचेंज पे अभी नहीं आए होते, वो भी आप यहाँ से सिंपली बाय कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, अगर वो नाम से नहीं आता तो उसका एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कोई ना कोई क्वाइन जो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे डॉट है, डॉट को बाय करते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 9 USDT पड़े हुए हैं तो मैं 5 USDT का यहाँ पे डॉट बाय करूँगा। तो 5 USDT के देखें मुझे इतने डॉट मिलेंगे, 0.65 डॉट मिलेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैं दिखाने के लिए आपको परचेस कर रहा हूँ कि प्रोसेस इसका क्या है और कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं वापस। अब यहाँ पे देखें स्लिप पेज टॉलरेंस यहाँ पे 0.5% लिखा हुआ है, इसको एडिट के बटन को प्रेस करें, ये देखें 5% लिखा हुआ है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब कोई न्यू क्वाइन होता है, न्यू टोकन होता है, वो आप बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बाय नहीं होता, तो यहाँ पे आपको उसका परसेंटेज इंक्रीज करना होता है डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ पे प्रेस करके, ठीक है। जैसे कि आपको पहले 2 पे ट्राई करना होगा, फिर 3 पे ट्राई करना होगा, फिर 5 पे और मैक्सिमम 10 तक तो वो हो ही जाता है, 10-11 तक, ठीक है। अभी हम इस पे करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट है 0.5। देखिए 0.1 पे भी ये बोल रहा है देयर ट्रांजेक्शन में फेल, ठीक है। अगर फेल होगी तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, मगर वो क्वाइन बाय नहीं होगा, वो टोकन बाय नहीं होगा। तो अभी 0.5 पे ट्राई करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था।
और यहाँ पे अब मैं प्रेस करता हूँ स्वैप को, तो ये देखें मैं 5 USDT का डॉट बाय कर रहा हूँ और मुझे मिलेंगे 0.65। तो यहाँ पे हम करते हैं कंफर्म स्वैप। तो यहाँ पे देखें एक रिसिप्ट आ गई, अप्रूव USDT परमिशन, ठीक है। अभी ये बोल रहा है इसको आपको ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है USDT को यूज़ करने के लिए। मैं बोलता हूँ सब सही है। और नेटवर्क फ़ी देखें यहाँ पे मुझे लगेगी 0.08 USDT, जो कि BNB में मुझे फीस लग रही है, क्योंकि जो USDT मेरे पास पड़े हुए हैं वो BEP20 नेटवर्क के पड़े हुए हैं। जो नेटवर्क आपके पास क्वाइन होगा उसी नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होगी। तो पेनकेक स्वैप पे हमने Web3 वॉलेट Binance का कनेक्ट किया है, जो कि BNB का नेटवर्क है, तो यहाँ पे भी वो BNB का ही दिखा रहा है। जो USDT पड़े हुए हैं वो भी BNB नेटवर्क के हैं, BEP20 नेटवर्क के हैं, तो हमें फ़ी भी उसी की लगेगी। मैं इसको करता हूँ अप्रूव सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। अब ये सिर्फ इनेबल कर रहा है, इनेबल स्पेंडिंग USDT, ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन फ़ी, उसकी फ़ी आपको लगेगी $0.28। इसको आपको करना है कन्फर्म। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगी दोबारा, आपके पास हो सकता है ईमेल में कोड आए, मोबाइल नंबर पर कोड आए, मेरा अभी थम्स सेट है तो थम्स के थ्रू ये हो जाता है। अब देखें ये ट्रांजेक्शन जो है वो सबमिट हो गई है। अगर इसको बंद करके देखें तो ये देखें मेरे पास जो USDT थे वो 5 USDT यहाँ पे माइनस हो गए, और डॉट में अगर बैलेंस देखें 0.65 मेरे पेनकेक स्वैप के वॉलेट में आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डॉट जो आपने बाय किए हैं वो आपके बाइनेंस Web3 वॉलेट में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बहुत दफ़ा ऐसे टोकन होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं वहाँ पे शो नहीं होते, तो आप यहाँ पे आके उनका अमाउंट दे सकते हैं कि कितना अमाउंट उनका है और उनकी प्राइस क्या चल रही है, और प्राइस के हिसाब से आपके पास वो कितने शो हो रहे हैं। तो क्लोज करते हैं, Web3 वॉलेट पे आते हैं, को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें डॉट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा क्वाइन है, ऑलरेडी काफ़ी नेटवर्क्स पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आपको क्वाइन शो नहीं होता तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना होगा मैनेज टोकन्स पे, जहाँ पे प्लस बटन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको उसका नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा जिस नेटवर्क का आपने क्वाइन बाय किया है, यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना होगा, उसके बाद जो भी नीचे चीज़ें हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और आपको इंपोर्ट करना होगा। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके वॉलेट में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर वन स्टेप हो गया कि आप कैसे बाय कर सकते हैं पेनकेक स्वैप से। अब मैं आपको बताऊंगा आप पेनकेक स्वैप से इसको सेल कैसे कर सकते हैं। वही तरीका आपको करना है, यहाँ पे डिस्कवर पे आ जाएं, पेनकेक स्वैप को क्लिक करते हैं, ओपन DApps, ठीक है। अभी मेरा वॉलेट कनेक्टेड है, अगर आपका वॉलेट कनेक्टेड नहीं होगा तो वही स्टेप आपको करने होंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा मैं आया ओपन DApps पे, ठीक है। इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा, वही आपको कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट के बटन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा Binance Web3 वॉलेट, और ये देखें मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा ट्रेड नाउ, और यहाँ पे ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा वो टोकन, वो क्वाइन जो आप सेल करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ डॉट, देखिए मेरे पास डॉट अवेलेबल है, यहाँ पे शो हो रहा है, और मैं इसके मैक्सिमम जितना भी अमाउंट है वो सेल करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे सिलेक्ट करना होगा कि आप सेल करके कौन सा क्वाइन लेना चाह रहे हैं, कौन सा टोकन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। बार बार मैं टोकन और क्वाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि टोकन अलग चीज़ होती है और क्वाइन अलग चीज़ होती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, प्रॉपर नमूने से मैंने बताया हुआ है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेल करके USDT वापस लूँ। USDT पे आते हैं, अब देखें ये लिखा हुआ यहाँ पे 5.03 USDT मुझे मिलेंगे डॉट को सेल करके। मैं बोलता हूँ ऑल गुड, स्वैप करते हैं, कंफर्म स्वैप, ठीक है। ये अप्रूव की परमिशन आ जाएगी, इसकी थोड़ी सी आपको फ़ी लगेगी। मैं करता हूँ अप्रूव सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, के बाद दोबारा आपके पास आएगा कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन फ़ी को कन्फर्म करें। तो ये देखें ट्रांजेक्शन सबमिट हो गई, तो जैसे ही ये सबमिट होती है तो एक मिनट के अंदर यहाँ पे ये कन्फर्म हो जाती है। समटाइम अगर फेल भी हो जाती है तो आपके जो अमाउंट है वो वापस आ जाएगा, फिर आपको दोबारा करना होगा। अब ये देखें डॉट यहाँ पे जितने भी मेरे पास थे वो सेल हो गए, जीरो अमाउंट उसका आ गया, और USDT में मेरे पास देखें 9.84 USDT आ गए। जो जितने भी यहाँ पे देखें मेरे USDT थे वो वापस आ गए मेरे पेनकेक स्वैप के वॉलेट में। तो इस तरह आप इजीली पेनकेक स्वैप को यूज़ कर सकते हैं Web3 वॉलेट में। अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं रिसेंट कौन सी हुई है, तो यहाँ पे देखें एक लॉक का आइकन बना हुआ है, इसको प्रेस करें, तो यहाँ पे देखें अभी जितनी भी रिसेंट हुई होगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। कोई भी इशू आपके पास आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।